हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कंपिटेटिव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग वर्णमाला पर चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कैसे और कितने प्रकार से किया जाता है हम दूसरी कक्षा में चर्चा किए थे। तो हम लोग दूसरी कक्षा में स्वरों का वर्गीकरण का पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे। पहले वर्गीकरण का नाम क्या था? तो पहले वर्गीकरण का नाम था कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उसमें तीन प्रकार बताए थे। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो दूसरी कक्षा में हम लोग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में डिस्कस किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरी कक्षा पसंद आई होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में, क्योंकि दूसरी कक्षा में प्लुत स्वर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे। तो आज की कक्षा में हम लोग प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लुत स्वर हेडिंग डालिएगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसका एक और अन्य नाम है, इसका एक और नाम है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? तो हम इसकी परिभाषा के अनुसार बताते हैं कि त्रिमात्रिक स्वर इसे क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लुत स्वर की परिभाषा लिखिए, प्लुत स्वर की परिभाषा लिखिए कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे, तीन मात्रा का समय लगे उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और एक तरीका है कि इसे त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं। तो दूसरा तरीका समझिए, इसे त्रिमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है तीन अंक के चिन्ह का प्रयोग करके इसके उदाहरण बनाए जाते हैं। तीन अंक के चिन्ह का प्रयोग करके उदाहरण बनाए जाते हैं। एक रीजन यह भी है कि इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं।
और समय के आधार पर इसकी यदि आप परिभाषा लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो उसे प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों परिभाषा समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्लुत स्वर की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो शायद आप लोग बता सको। सबसे पहले तो प्लुत स्वर के उदाहरण देखेंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग तो किसी का नाम लेकर पुकारने के अर्थ में। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि आपसे दूर है तो यदि आप उसको बुलाना चाहते हो तो यदि आप उसका नाम लेकर पुकार रहे हो, यदि आप उसका नाम लेकर उसे बुला रहे हो तो जिस ध्वनि का, जिस स्वर का आप प्रयोग कर रहे हो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम कह दें कि किसी को बुलाना हो, जैसे राम, यदि हम यह राम लिखें, यदि हम राम लिख दिए और बीच में यह तीन अंक के चिन्ह का प्रयोग करके यदि हम लिख देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति को हम लंबे समय तक, या फिर कह लीजिए कि उसको हम बुलाने का कार्य कर रहे हैं, या फिर बुलाने के अर्थ में हम कुछ ज्यादा समय ले रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहला तरीका तो यह होता है कि किसी का नाम लेकर पुकारने के अर्थ में जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो यदि आप उसे बुलाना चाहते हो तो आप जिस स्वर का प्रयोग करते हो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। और दूसरा तरीका तो यह है कि जैसे इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है तो मंत्रों का उच्चारण करने में किया जाता है, क्योंकि वहां पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि प्लुत स्वर का प्रयोग
कहाँ कहाँ किया जाता है, तो किसी को बुलाने के अर्थ में, या फिर कह लीजिए कि किसी रूम में आप अकेले खड़े हैं और उसमें चिल्ला रहे हैं, तो आवाज जो लड़ती है, गुजती है, वही हमारी प्लुत स्वर होती है। या फिर कह लीजिए कि किसी कुएं में यदि आप कोई पत्थर फेंकते हैं, यदि आप किसी कुएं में कोई पत्थर फेंकते हैं तो जो टब टब की आवाज आती है वही हमारी प्लुत स्वर होती है, ठीक है। और प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भैया प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। अब 8 कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा कि 8 कौन कौन सी होती है, तो मूल स्वर में से एक स्वर अ, और दीर्घ स्वर के सभी स्वर, दीर्घ स्वर के सभी स्वर। तो दीर्घ स्वरों में कौन कौन से स्वर थे और उनकी संख्या कितनी थी, तो 7 थी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी, 7 थी, और मूल स्वरों की संख्या तो 4 थी, लेकिन 4 में से केवल एक ही, और उस स्वर का नाम है अ, उसको और ये 7 दीर्घ स्वर मिलकर प्लुत स्वर का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे कैसे, तो देखिएगा कि यदि आप मान लीजिए कि पापा बुला रहे और ये जो गुरु का प्रतीक है और ऐसे यदि चिन्ह लगा दिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इस बिंदी को क्या कहते हैं, इस बिंदी को क्या कहते हैं, तो इसे अपूर्ण चिन्ह माना जाता है, इसे अपूर्ण चिन्ह माना जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो हम पुकार रहे हैं, यह जो हम इस शब्द का हम जो उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम लंबे समय तक कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, यह अभी कहां तक गया है यह हमें पता नहीं है। तो ऐसे शब्दों में, ऐसे शब्दों का यदि आप उच्चारण करोगे तो प्लुत स्वर बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह 8 जो प्लुत स्वरों की संख्या है इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आपसे कि चलिए पहले इसे मिटा लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि 8 स्वरों का प्रयोग, 8 स्वरों को प्लुत स्वर में क्यों गिना जाता है, इन 8 स्वरों को प्लुत स्वर में क्यों गिना जाता है, और जो 3 स्वर हैं उनको क्यों नहीं गिना गया, प्लुत स्वर उन्हें क्यों नहीं कहा गया। यही है 8 प्लुत स्वर, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु और री, री नहीं है, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, ये 8 जो स्वर है ये तो प्लुत स्वर होते हैं, लेकिन ये 3 स्वर प्लुत स्वर में क्यों नहीं गिने गए, ये 3 स्वर प्लुत स्वर में क्यों नहीं गिने गए, तो इसका एक रीजन है, रीजन यह है कि यदि इन स्वरों का आप, यदि इन स्वरों का आप कुछ लंबे समय तक यदि आप उच्चारण करोगे तो यह लघु ई से चेंज होकर दीर्घ ई में बदल जाएगी, यह लघु ई से दीर्घ ई में बदल जाएगी। जैसे उच्चारण करके देख लीजिए ई, तो यह लघु ई न होकर दीर्घ ई का उच्चारण कर देगी, या फिर यह दीर्घ ई में बदल जाएगी, इसीलिए इन्हें प्लुत स्वर में नहीं गिना गया।
लेकिन यह ऐसे स्वर हैं कि जिनका आप अंत में यदि चाहे जब तक उच्चारण करोगे उनका वही अर्थ होगा। जैसे अ, अ जितना देरी तक बोलोगे केवल वही ध्वनि निकल कर आएगी, न कि वह परिवर्तन होगा। ठीक है, तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 क्यों मानी गई और यह 3 प्लुत स्वर में क्यों नहीं मिले गए, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। होगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला वर्गीकरण तो समाप्त हो गया। पहला वर्गीकरण क्या था कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दूसरे वर्गीकरण की तरफ। दूसरे वर्गीकरण की तरफ हम लोग दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग अब इस पर चर्चा करेंगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब उन तीनों का नाम क्या है और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखिए दिखाते हैं। यह क्या है भैया, यह मान लेते हैं हम आपकी जीव है, आपकी जीव है। ठीक है, अब हम जीव को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जीव को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब जीव आपकी 3 हिस्सों में बट गई। अब तीनों हिस्सों को हम क्या कहेंगे, यह है अगला हिस्सा, यह है मध्य का हिस्सा और यह है पिछला हिस्सा। अब जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं और हमने जीव को 3 भागों में बांट दिया, तो उन स्वरों का नाम कैसे बनेगा, तो देखिएगा, और उन स्वरों की परिभाषा कैसे बनेगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इन तीनों के नाम और इन तीनों की परिभाषा याद करवाते हैं। देखिए यह है जीव का अगला हिस्सा, यह क्या है, जीव का अगला हिस्सा। यदि हम कह दें कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, यदि हम आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 11। अब इन्हीं 11 स्वरों में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं 11 स्वरों को किस किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है और कहां कहां पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो 11 स्वरों को हम लोग देखेंगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर इन 11 स्वरों को क्या नाम दिया गया है ना। तो
हम देखे यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जीव है और जीव के तीन भाग हैं, एक है अगला भाग और एक है मध्य भाग और एक है पिछला भाग। तो यदि हम कहेंगे कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीव के आगे का हिस्सा क्रियाशील हो, तो उसे क्या कहेंगे? या फिर कह सकते हो कि वह कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर जीभ के आगे की हिस्सा जो होती है वह क्रियाशील हो जाती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के मध्य की हिस्सा क्रियाशील हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मध्य स्वर। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के फर्श का हिस्सा क्रियाशील हो जाए तो उसे पार्श्व स्वर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार और उन स्वरों का क्या क्या नाम है आप लोग देख लीजिए। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर यह कैसे बाहर निकल कर आए तो इसे ध्यान पूर्वक देखिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन 11 स्वरों में से इन तीनों हिस्सों में कौन कौन से स्वर आते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पार्श्व स्वर। एक होता है अग्र स्वर और एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पार्श्व स्वर। तो अग्र स्वर की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के आगे का भाग क्रियाशील हो उसे अग्र स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के मध्य का हिस्सा क्रियाशील हो उसे मध्य स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के पार्श्व का भाग क्रियाशील हो तो उसे पार्श्व स्वर कहते हैं। अब बात आती है कि इन तीनों में कौन कौन से स्वर किसमें आते हैं। तो ऐसे स्वर कौन से हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारे जीभ के आगे का हिस्सा क्रियाशील हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि आगे का हिस्सा जो होता है वो हिलने डुलने लगता है। तो उच्चारण करके देख लीजिए इन्हीं 11 स्वरों में से, इन्हीं 11 स्वरों में से आपको छांटना है कि वो कौन कौन से स्वर होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन सा होता है और इसकी संख्या कितनी होती है। तो मध्य स्वर से पता चलता है कि यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ के मध्य का भाग क्रियाशील होगा। तो ये 11 स्वरों में से कौन सा स्वर है तो चलिए हम बताते हैं आपको। उस स्वर का नाम है अ, उस स्वर का नाम है अ, है ना, उस स्वर का नाम है अ। चलिए तो अब कितने स्वर बचे, 11 में से एक घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 10। अब 10 स्वर कौन कौन से हैं और इन दोनों भागों में कौन कहाँ जाएगा। तो देखिएगा अग्र स्वर को कैसे याद करेंगे इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। यदि तीन अंक से जितने स्वर बनाए जाते हैं, अ को छोड़कर तीन अंक से जितने स्वर बनाए जाते हैं उन्हें पार्श्व स्वर में गिना जाता है। तो अ को छोड़कर दीर्घा और क्या बनेगा,
लघु, दीर्घ, ओ और औ का मतलब कि तीन अंक से बनने वाले सभी स्वर अ को छोड़कर जितने स्वर होते हैं वो किसमें आ जाएंगे? स्पर्श स्वर में। और अब कितने बचे? तो तीन दो पांच एक छह, छह स्वर तो खत्म, बचे कितने? पांच। तो पांच स्वर किसमें आ जाएंगे? आपके अग्र स्वर में, ठीक है। अ ई री और ए अग्र स्वर में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार और उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं वह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो ट्रिक हम बताए हैं, जो आपको हम ट्रिक बताए हैं, तो उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि तीन से बनने वाले स्वर अ को छोड़कर तीन से बनने वाले स्वर सभी स्पर्श स्वर में गिने जाते हैं और अ को मध्य स्वर कहा जाता है और शेष बचे स्वर को अग्र स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण का नाम है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दंत के बाहर होते हैं, ये होते हैं ओष्ठ। अब इन्हीं की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार किसे कहते हैं और अवृत्ताकार किसे कहते हैं? तो वृत्ताकार से समझ में आ रहा होगा आपको कि वृत्त मीन्स क्या होता है? गोला। वृत्त मीन्स गोला, कि इसका मतलब यह है कि ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलने से हमारे जो ओठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं या फिर वृत्त का रूप धारण कर लेते हैं या फिर कह लीजिए कि वृत्त के जैसे वो उनका रूप बदल जाता है, तो उन्हें वृत्ताकार कहेंगे। और अवृत्ताकार का मतलब कि ऐसे स्वर जिनको हम बोलते हैं या ऐसे स्वर जिनको बोलने पर हमारे ओष्ठ गोल न हो या फिर वृत्त का रूप धारण नहीं करते हैं तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। और इनका एक और एक इनका अन्य नाम और भी है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है तो कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरीके से पढ़ लीजिए। वृत्ताकार अवृत्ताकार, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। अब इसमें देखिएगा कि कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ आते हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लीजिए। तो इनकी परिभाषा क्या होती है? वृत्तमुखी की परिभाषा यह होती है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं।
और अवृत्तमुखी स्वर की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्वर आते हैं। तो वृत्तमुखी का मतलब होता है कि वृत्ताकार, ओष्ठ कैसे हो, वृत्ताकार। तो उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं तो उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि उ उ उ उ, ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, वृत्ताकार हो रहे हैं। और ओ ओ अ, ये चार ऐसे स्वर हैं जिनका यदि आप उच्चारण करोगे तो वृत्त, तो ये ऐसे चार स्वर हैं जिनका यदि आप उच्चारण करोगे तो आपके ओठ या ओष्ठ क्या हो जाएंगे, वृत्ताकार हो जाएंगे। अब इन्हीं चारों को छोड़कर 11 स्वरों में से यदि चार घटाएंगे तो कितने स्वर बचेंगे, 7। तो 7 स्वर किसमें आ जाएंगे, अवृत्त मुखी में। तो उन सभी स्वरों का नाम क्या है तो आप लोग इन चारों को घटाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार में अंतर क्या होता है और उनमें कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होती है और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। और हम लोग स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण पढ़े हैं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और तीसरा वर्गीकरण पढ़े हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो यदि हम आपसे पूछ दें कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहले का नाम होता है अग्र स्वर और दूसरे का नाम होता है मध्य स्वर और तीसरे का नाम होता है पार्श्व स्वर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो 2 बताइएगा। एक का नाम होता है वृत्तमुखी स्वर और दूसरे का नाम होता है अवृत्तमुखी स्वर। अब यदि इसमें पूछ ले आपसे कि वृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर आते हैं तो आप उच्चारण करके देख लीजिएगा या फिर इसे याद कर लीजिएगा कि वह चार कौन कौन से स्वर होते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल करके याद करते हैं तब तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा क्योंकि आप खुद मेहनत करेंगे। ठीक है, तो वृत्तमुखी में 4 स्वर आते हैं और अवृत्तमुखी में 7 स्वर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। अभी हम लोगों का बचा है 2 वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से बताने के लिए कहे थे तो 3 वर्गीकरण हम लोगों का हो गया और 2 वर्गीकरण बचा है तो अगली कक्षा में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।